हुंकार रैली से सरकार को एक मैसेज है कि जिस तरह युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा सरकार द्वारा, जिस तरह दलित अस्तित्वता को ठेस पहुंचाई जा रही है सरकार द्वारा, तो ये युवाओं में वंचित शोषित जो तबका है उसमें एक रोष है, गुस्सा है कि सरकार ने जो वादे किए थे क्या हम उन पर खरे उतरे हैं? नहीं। ये उसको लेकर युवाओं में गुस्सा है, 2 करोड़ रोजगार को लेकर गुस्सा है, 15 लाख जो झूठा वादा किया उसको लेकर गुस्सा है, जो रासुकाएँ लगाई जा रही हैं आज जिसके कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार द्वारा, राज्य और केंद्र द्वारा, उसको लेकर युवाओं में गुस्सा है, उसको लेकर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा आज जिस तरह से जिग्नेश मेवानी पे पीछे भीमा कोरेगांव को लेके उनको दोषी करार किया जा रहा है, उनको कानून के पिटड़े में फंसाया जा रहा है, लोग उनके सरकार के विरुद्ध जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सरकार हमारी आवाज़ को कुचलना चाहती है, हमारे वैचारिक जो सिद्धांत है, हमारा जो वैचारिक ढांचा है उसको तोड़ना चाहती है, हमारे दलित शोषित के मनोबल को तोड़ रही है। सरकार की नीयत और जो नीति है उन दोनों में खोट है, सरकार कहती कुछ और है कर कुछ और रही है। बाबा साहब का संविधान जो हमें दिया है इस भारतवर्ष को चलाने के लिए, ये इसके विपरीत काम कर रही है। कुछ लोग आके सरकार के ही नुमाइंदे जो सरकार में चुने जाते हैं संविधान के द्वारा, और वो संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे देश के जो प्रतिष्ठित मंत्री हैं आज के मौजूदा सरकार में, कहीं ना कहीं वो देशद्रोही हैं, कुछ संविधान की जो विपरीत बात कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे सभी युवाओं से, अपने देश के जो हमारे मेवानी जी हैं, कन्हैया जी हैं, अपना चंद्रशेखर रावत जी हैं, और भी तमाम युवा साथी हम जैसे हैं जो रोडों पे हैं, हक और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे लड़ते रहेंगे। हम सरकार की किसी भी धमकी या डर से डरने वाले नहीं हैं। सुधीर जी, सवेरे वो मीडिया के अंदर चल रहा था कि रैली नहीं होगी और रैली फ्लॉप होगी और ये मतलब सवेरे से इस तरीके का, फिर उसके बाद में यहाँ हजूम जुड़ा। मैं बताऊँ, ये आपका बिल्कुल फैक्ट है कि जो मनवादी मीडिया है जिसे मीडिया माफिया बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया डरा हुआ है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, और वो मोदी के जो उनका प्रोपेगेंडा है उसके तहत काम कर रही है। मीडिया का रोज़ डिबेट जो रहता है मोदी के फेवर में रहता है, पब्लिक के फेवर में वो कोई भी बात करना नहीं चाहते हैं, शायद उनको भी डर है, चौथे स्तंभ को भी डर है। तो हम समझते हैं कि मीडिया की ही एक करतूत थी जिसने इस तरह से दुष्प्रचार किया कल से शाम से, कि इस तरह की हुंकार रैली को परमिशन नहीं दी दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस ने, तो ये कहीं ना कहीं दुष्प्रचार था मीडिया का, खासकर मैन स्ट्रीम मीडिया जो है उसका दुष्प्रचार था। धन्यवाद।